दिया गया, उनको बताया गया, मैडम मैं एक भी एक का रिकॉर्ड कोई नहीं हो, मैं चैलेंज करूँ। 1200 ड्वेलिंग तोड़े गए, को नोटिस दिया गया, एक को भी नोटिस नहीं दिया गया। और जितनी नोटिस मिली, अगर मिली भी है तो भी उस नोटिस के हिसाब से काम नहीं हुआ। मतलब उनको भी बोला हम आपका मार्किंग करेंगे, एंड देन मार्किंग किया गया, मार्किंग के हिसाब से नहीं तोड़ा। अभी बालकनी जगह पूरा मार्किंग करके, डिमांड पूरा करके मार्किंग करके, क्योंकि उनके वहाँ पे घर थे इसलिए उनको मार्किंग करना जरूरी था, क्योंकि उसने घर भी तोड़े। तो आपके घर में जो दुकान आई वो उसने तोड़ा, उसको पहले नोटिस किया गया, हटाया गया वहाँ से। सब लोग अपना अपना पुस्तक 650 अगर वो गाले देने बैठ गया तो वो 6,500 हो जाएंगे। अब कहां से किसको कहां से भाभी एक मिनट, जो जनप्रतिनिधि की हैसियत से, जो कारपोरेटर लोग है कारपोरेटर की हैसियत से, जो एमएलए की हैसियत से, जो हम हैं वो हमारी हैसियत से, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जीरो का भी मिल जाए। ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी विद एमएलए, विद कारपोरेटर, विद अदर पार्टी, मतलब आप सब मिलके अपनी ये कोशिश रहेगी। और अपन उसी पे लगेंगे कि जितना हो सके, जितना भी हो सके उतना भी अपन न्याय दिलाने का काम करेंगे, बाकी अल्लाह मालिक है। और मेरी एक रिक्वेस्ट तो नहीं दे सकते प्रेस के माध्यम से, मैं कमिश्नर साहब से एक सर, मैंने इसके लिए तो फर्स्ट टाइम में कहा कि उन्होंने दबंगई किया मुमरा में। अभी आप सुनिए सर, एक मिनट, मेरी एक रिक्वेस्ट है कमिश्नर साहब से प्रेस के माध्यम से। मैडम अलग बोलते, तुम अलग बोलते, मैडम मैंने स्वागत किया ना, मैडम की बात को मैं क्या इनकार कर रहा हूँ, मैं उसका स्वागत किया, मैं उसके कार्य के ऊपर मेरा विरोध है। मैं सबसे पहले आपने उसको मुबारकबाद दी, और सबसे पहले उससे लड़ा भी मैं। 100-200 पुलिस स्टेशन पे जनता के मित्र है, उन्हें साथ में लेके बहुत अच्छे दबंगगिरी से कार्रवाई की उन्होंने। आयुक्त ने राजनीति खेला है, उग्र साथ ये पूरा ही है। मैडम का वो बोलना नहीं है जो आप ऐसा, एक मिनट सुनिए, देखिए उनको जो बोलना है बोलने दीजिए। मैं क्या बोल रही हूँ कि उन लोगों ने जो कुछ किया या नहीं किया उसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। हम में से किसी ने RTI ऑलरेडी फाइल किया है अंडर ह्यूमन राइट्स, उसमें हर डिपार्टमेंट को उन्होंने नोटिस दी थी या नहीं, उनके पास प्लान था या नहीं, उनके पास रोड की वर्क ऑर्डर थी या नहीं, उन्होंने किस हिसाब से जाके गाले तोड़े हैं, उनका रिहैबिलिटेशन का प्लान क्या है। और ये थाना नहीं, क्योंकि अगर हम थाना लिखते ना तो वो थाना की मुझे 200 नोटिस बता दो। हमने उसमें कलवा मुमरा स्पेशली मेंशन किया है, ऑलरेडी RTI डाल दिया है टाउन प्लानिंग में, उस RTI के अंडर उनको हम लोग को खुद बोला गया है कि आप खुद आओ और इस वीक में उस डिपार्टमेंट के पास हम जाएंगे। चाहे वो जो जो डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व थे उनको सबको हमने RTI की कक्षा में लाया है, ह्यूमन राइट्स के एसोसिएशन के ऊपर उनके कंधे पे बंदूक। और नहीं, चेतना ने किया है अपने पर्सनल कैपेसिटी में, क्योंकि उसकी खुद की दुकान, उसकी खुद की ऑफिस बाधित हुई है। लेकिन उसको हम लोग एज अ संघर्ष, एज NCP, एज ये चीज पार्टी वोटी सब चीज से ऊपर है, सबसे ऊपर रखेंगे। आप सिर्फ क्रिटिसाइज करने के लिए अगर चाहते हैं कि आपको क्रिटिसाइज ही करना है करो, बचाने को तो यहाँ पे क्रिटिसाइज करने वाले भी नहीं आए थे। मैंने पहले बार बोला उनका इंटेंशन अच्छा था, उनकी सोच अच्छी थी, लेकिन उनका अप्रोच एकदम गलत था। हमको यही बोला कि उन्होंने जिस जो तरीका अपनाया वो ज्यादा ह्यूमैनिटी से कर सकते थे, लेकिन उस वक्त मैं मेरे बेटे की कसम खाती हूँ कि मुझे इतना बाद में नहीं मालूम पड़ा। जो मालूम पड़ा उनके एक ऑफिसर ने ही मुझे बताया, और मैंने खुद चेतना ऑफिसर को भी मैंने बोला मैंने अगर तुझे सस्पेंड नहीं कराया तो मैं मेरा नाम बदलूंगा। फिर उसमें मैंने इनको भी बोला गरज आए तो राजीनामा दे दो, देखो वो एक बंदा हो 100 हो या 1000 हो, प्लीज ट्रीट एवरी ह्यूमन बींग एज अ ह्यूमन बींग, हूएवर यू आर, आई डोंट केयर।
जो उन्होंने जो कुछ किया वो देखने के लिए ना आप थे ना मैं थी ना ये था उनके ऑफिसर्स थे। एक गरीब दुकानदार को हड़कने की इतनी आदत हो जाती है कि उस पे उसको कुछ बेचारे को भूला भी नहीं लगता। वो सोचता है छोड़ो ना मैं लात ही खाने के लिए पैदा हुआ। इट्स नॉट लाइक दैट। लाखों करोड़ रुपए का नुकसान या दवा दिए सीधा यार एक्सरे मशीन जो मैं सलाह लेता था पर सड़क पे रख के रोज कमा का मौका नहीं मिला। ये तो ऐसा हो गया ये दबंगगिरी दबंगगिरी का मतलब हिटलर गिरी शुरू हो गया। गरीबों के इतने लोगों को खरीद नहीं पाएगा ह्यूमन राइट्स इसीलिए मैंने बोला हुआ है। मैं मेरे पहली लाइन है के दुकानदार बेचारे उससे बदतर कंडीशन पे आ गए क्योंकि दो दो तीन लाख रुपया उनका वही स्वाहा कर दिया ऐसा दवा के। वो खाली ऐसा बोलता था निकालो तो मियां बीवी बच्चे सब निकालते थे सर ये गलत हुआ है दादागिरी हुई है। और जो आरटीआई का है अभी कोर्ट बंद है करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो हम खुद पिटीशन नहीं डालेंगे। हम ऐसे ही अफेक्टेड जो लोग हैं उनसे हम पिटीशन भी डलवाएंगे। वी विल गो टू द कोर्ट एंड आस्क फॉर देयर राइट एज अ ह्यूमन। एक इंसान होने के नाते उनका जो राइट है फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब हो वो उसको मिलना चाहिए। हाँ उसने गलत तरीका अपनाया था उसने भी अपनाया उन्होंने भी इलीगल लिया भाड़ा लिया ये किया वो किया एवरीथिंग अंडरस्टूड। ये बहुत गलत हुआ बहुत गलत। आपको पता है मैं करवा सामने शाखा तोड़ने गए ये ऑफ द रिकॉर्ड है। आप बोल रहे ना नोटिस नहीं दिया। 1 बजे ऑफिसर सामने से आया और मैंने बोला अंदर जाते ही सबको बोला स्टाफ को चलो सामान जमा करो। मैंने खुद जमा किया हमारा कंप्यूटर ये वो सब फर्नीचर के लिए टेम्पो बुला के रखा। वो ऑफिसर सामने से आया मेरा कॉर्पोरेटर आगे गया मिलिंद सालू मिलिंद को वो बोलता है नहीं आज कार्रवाई शाखा पर है आपका तो कोई टेंशन ही नहीं है आपका तो। और उस पर हम लोग ने ही सब ने ही विधान परिषद का स्टे लिया क्योंकि पीछे के शास्त्री नगर जो स्लम है हमारे एकदम ऑफिस से सड़क के पीछे वो शास्त्री नगर में आता है और वो जो ये नया पुल बन रहा है उसमें शास्त्री नगर था। सुनील चौहान जाके बायोमेट्रिक करके मैंने बहुत चिल्लम चाटी उधर। मैंने बोला बायोमेट्रिक बैटमेंट बंद करो कोई आपको रेंट वेंट देगा नहीं बीएसयूपी के एप्लीकेशन पहले उनके हाथ में दो अग्रीमेंट फिर हो जाएंगे बाद में आप बायोमेट्रिक करो। आज बायोमेट्रिक करोगे 2 साल के बाद उनको घर दोगे ये होता ही नहीं। एनीवे वो पूरा ब्लैंकेट उसके लिए मेरे को हर टाइम कमिश्नर बोलते हैं। मेरे को उस दिन भी उन्होंने बोला मैडम वो जानी तो है। मैंने बोला बिंदास पुल बांध दो आपको जो एयरपोर्ट बांधना है बांध दो लेकिन बाधित एक भी बंदा नहीं होना चाहिए।